नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र से आ रही है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के अंतर्गत छितौनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में मौजूद हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं 4 मई को वोटिंग हुआ और 13 मई को काउंटिंग। इस नगर निकाय की जो चुनाव थी इसमें बड़े बड़े योद्धा भाग लिए थे और मैं आपको बता दूं इसमें विजयी पाने के लिए प्रत्येक जो भी राजनीतिक दल थी, चाहे वह निर्दलीय है चाहे वह किसी पार्टी से, सभी लोगों ने कोशिश की, संघर्ष की और उनको लोगों को प्यार मिला, जनता का आशीर्वाद मिला और ये जाकर विजयी हुए हैं। इसी बीच हम लोग वार्ड नंबर 10 में एक युवा सभासद प्रत्याशी के पास उपस्थित हैं जो अपनी कड़ी मेहनत और लोगों के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर ली। तो मैं आपका समय व्यर्थ न करते हुए मैं चाहूँगा इनसे आपको रूबरू कराऊँ। तो सर, मैं पहले चाहूँगा सर आपका सर बहुत बहुत सर स्वागत है और सर आप धन्यवाद के पात्र हैं और सर आपको बधाई भी है कि आप अपने जीत हासिल की। तो सर मैं चाहूँगा आप पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, परिचय दें। वेब इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर चंद कुशवाहा है। मैं छितौनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 भगत सिंह नगर से सभासद निर्वाचित हुआ हूँ। इस पे वार्ड के सभी सम्मानित जनता को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे। सर, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, तो सर शुरू करते हैं। सर, अब सर आपकी उम्र अभी है और आप युवा हैं। सर सर बड़ी बात है कि सर आप क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएट हैं। सर आप अपने लाइफ को सेटअप कर सकते थे कि जॉब या अन्य कार्य में भी। सर बहुत सारे सेक्टर्स हैं इस भारत में, लेकिन सर पॉलिटिक्स ही क्यों, राजनीति ही क्यों, किस उम्र में? देखिए, राजनीतिक से हमारा उतना पहले लगाव नहीं था, लेकिन हमारे जो समाज में पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम युवा वर्ग आकर के दबे कुचले लोगों का, अपने वार्ड के लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनका नेतृत्व करें। इसलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग वार्ड सभासद का चुनाव लड़ेंगे और अपने वार्ड के सभी लोगों का मतलब सहयोग करेंगे, उनका सही नेतृत्व करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। सर, आपसे एक और सवाल है। इससे पिछले कार्य में जब ग्राम सभा था, ग्राम पंचायत था, और आज भी सर बहुत ऐसी जो पार्टियां हैं जो भी चुनाव है, चाहे वो MNC का हो या नगर पंचायत का हो या विधायक का हो, कोई भी सर चुनाव है, बड़ी बड़ी पार्टी आती है, बड़े बड़े लोग आते हैं और वादे करके चले जाते हैं और अपने वादे पर खड़े नहीं उतरते हैं। सर, और आप भी सत्ता में आए हैं, इस बात की सर आपसे यहाँ की जनता उम्मीद करे क्या, वैसे या कुछ बदलाव आएगा? सर चूँकि आप सवाल अनिवार्य है और आप युवा हैं, इसीलिए बदलाव तो आएगा। सर जी, बदलाव के लिए हम लोग आए हैं और लोगों ने जो हमको सहयोग दिया है, अधिकार दिया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। वादा तो नहीं करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक सभासद के प्रति जो मतलब मेरा सहयोग रहेगा, जो मेरा दायित्व रहेगा, वो पूरा निर्वहन होगा। दायित्व का जी। अगला सर ये सवाल है, जो घोषणा पत्र सर तो आपका तो नहीं था, आप ना जाने बोर्ड की मीटिंग कब बैठे, और तो सर इसके बारे में सर मैं चाहूँगा आप अपने किन समस्याओं को आप बोर्ड की मीटिंग में सर रखेंगे? देखिए, हमारे वार्ड में अभी पिछले जब प्रधान थे तो उस समय मतलब चल रहा था ODF के लिए शौचालय वाला, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी शौचालय नहीं बना है। जल निकासी की समस्या है जी, जल निकासी का समस्या है, कितने लोगों का आवास नहीं है, कितने लोगों का विधवा पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। इन सब मुद्दाओं पे हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे वार्ड में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसको किसी सरकारी लाभ से वंचित रखा जाए। सर आखिर में सर अगला आपसे सवाल है, सेकंड लास्ट, इस समय सर खासकर आपका नगर पंचायत छितौनी की मैं बात कर रहा हूँ, लोग युवा को ही सर क्यों चुन रहे हैं, क्या वजह है लोग युवा को पसंद कर रहे हैं? और सर सबसे बड़ी बात यह है कि कहावत आप स्वयं आप पिछली कक्षाओं में देखे होंगे, जैसी राजा वैसी प्रजा या जैसी प्रजा वैसी राजा। सर इसके बारे में सर आपकी तो क्या राय है, क्योंकि इस बात से महसूस हो रहा है, लग रहा है कि हाँ कि आपकी भी जो है जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, तब जाकर शिक्षित है, क्योंकि युवा और
पढ़ा लिखा व्यक्ति को चुना है सर, इसके बारे में आप क्या, आपकी राय क्या है, क्या कहेंगे आप प्रश्न? सर मेरा राय यही है कि मतलब जब लोगों को ये उम्मीद लग रहा है कि जब शिक्षित पढ़ा लिखा युवा रहेगा तो हम लोगों के लिए हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहेगा, चाहे जो भी समस्या हो उसके लिए हम जाएंगे तो हमेशा तत्पर रहेगा, कार्य करेगा। और कहीं कहीं मतलब पहले युवा वर्ग चुनावी मुद्दे पर इतना एक्टिव नहीं रहते थे जितना इस समय एक्टिव है। हमारे साथ लगभग 60-70 युवा लड़के हैं जो इंटर हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं, सब लोगों ने लग के मेहनत किया था। हम लोगों का यही सोचावट था कि हम लोग युवा वर्ग लाएंगे, एक बदलाव लाएंगे, वार्ड का सही विकास कराएंगे। देखिए सर, तो लास्ट आपसे सर प्रश्न है, जो आपके वार्ड नंबर 10 की जो जनता ने आप अपने आशीर्वाद से नवाजा, आपको सर मत दिया, आपके साथ संघर्ष किए रात दिन एक सर पर, आप उनके बारे में आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अगर हम उन लोगों का धन्यवाद करें तो उसके लिए शब्द नहीं है, कितना सहयोग किए हैं, दिन रात एक कर दिए हैं। कहीं कहीं ऐसा हम खुद प्रत्याशी थे लेकिन हम कहीं कहीं पिछड़ जाते थे, लेकिन वो लोग हमको मोटिवेट करते थे, ऐसे यहाँ करना है, यहाँ चलना है। अभी हम मतलब तैयार नहीं होते थे तब तक वो हमसे पहले तैयार हो जाते थे, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जैसे कि मेरा मित्र है सगीर है, ए वर्मा है, चौहान है, ए नज़ीर है, मतलब ऐसे तमाम लड़के, एक सुवन नाम का लड़का है, मतलब 2 बजे 1 बजे जब भी कहे, हसमुद्दीन नाम का लड़का है, जब भी हम कहें हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े थे। जब भी हम फ़ोन करें या ना करें वो हमसे पहले तैयार होकर आ जाते थे, यहाँ चलना है, उनसे मिलना है, उनसे अपनी शिकायत करना है, उनसे अपनी बात रखना है। इसलिए सब लोग मिल करके इतना एक्टिव थे, हाँ, जो लोग बाहर थे चुनाव से पहले बिना कहे बेवजह, मतलब उनका कोई हमसे मतलब ताल्लुक नहीं था, फिर भी ताल्लुक जोड़ करके हम ना कहें तभी आ करके मतलब वोटिंग किए कि किसी न किसी हाल में। ईश्वर चंद कुशवाहा मुझे पप्पू भैया लोग गांव में कहते हैं, पप्पू भैया को जिताना है, हर छोटा से बड़ा सा लेकर जो वोटर नहीं था वो भी मतलब चाहता था कि हाँ पप्पू भैया जीतेंगे, पप्पू भैया जिताएंगे, ऐसे मतलब सब करते थे। तो उन सबों का मैं जितना भी मतलब धन्यवाद दूँ सर बहुत ही कम है, उन लोगों का सहयोग हमारे लिए हमेशा है और हमारा भी उन लोगों के प्रति सहयोग रहेगा। हम चाहेंगे कि हम इतना अच्छा काम करें कि उन लोगों का मतलब लगे कि हम जिसको सपोर्ट किए वो हमारे लिए तैयार है। जी चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद और तमाम लोगों का भी बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आप अपना प्रीसियस समय निकालकर हमें दिए। और ये है युवाओं की एक सोच, युवा है तो बदलाव है, चूँकि भारत एक यंग इंडिया है और शायद भी इस प्रकार ही हमेशा लोग सही चुनाव करें तो हमको नहीं लगता है कि लोग विकास के लिए रोना पड़ेगा या तरसना पड़ेगा या हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो ऐसे ही खबर